नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और आगे कम्युनिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना आज $1772 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है, और सिल्वर भी $22.3 पर लगभग आधे फीसदी की तेजी, मान के चलिए कि उस पर हरे निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही है। हम आज भी वही सुबह वाले लेवल्स देख रहे हैं जो हमने कल सुबह सोने चांदी में बनते देखे थे, आज भी हम सुबह के कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार में नॉन एग्री कम्युनिटीज में वही लेवल्स बनते देख रहे हैं। दरअसल फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो बयान निकल के सामने आया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, उनमें कुछ चेंजेस हो सकता है, टेपरिंग हो सकती है वक्त से पहले, इन पर अब ब्याज दर में बढ़ोतरी की जा सकती है। फेड के जो चेयरमैन हैं पॉवेल जी, उन्होंने बयान दिया है और उसकी वजह से हमने सोने चांदी की कीमतों में जो सेफ हेवन डिमांड बनते देखी थी अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होती नज़र आ रही है। ओमिक्रॉन के जो नया वेरियंट है उसने भारत में भी दस्तक दे दी है। कल को कर्नाटक में 2 लोगों में नया वेरिएंट पाया गया है और अब धीरे धीरे ये जो वेरिएंट है ये फैल भी सकता है, ऐसी WHO ने कहा है। और इसकी वजह से जो सेफ हेवन डिमांड बन थी अब वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जो बदलाव होने का जो बयान निकल के सामने आया फेड की तरफ से, उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर की कीमतें दबती नज़र आ रही हैं, एक सीमित दायरे में कारोबार करती नज़र आ रही हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि सोना चांदी पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से लगभग फ्लैट ही सेम स्तरों पर ट्रेड करते नजर आ रहा है, सेम स्तरों पर कारोबार करते नजर आ रहा है। बात करें यहां से अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं WTI $67 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, दोनों में ही 1.25% की तेजी बनती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में आज चाहे WTI की बात करें चाहे ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें, दोनों में ही 1.25% की तेजी बनती नजर आ रही है और जो लेवल्स हैं वो भी अब कुछ सुधरते नजर आए हैं। दरअसल ओपेक की जो बैठक में ये निर्णय निकल के सामने आया कि ओपेक का प्लान था पहले से ही कि जनवरी 2022 से 4 लाख बैरल प्रतिदिन की वो आउटपुट बढ़ाएगा, वो उसी पर ही स्टिक टू करेगा, यानी उसी प्लान को फॉलो अप करेगा। कोई इसने नया प्लान नहीं बढ़ाया है कि उत्पादन कम किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा, जो प्लान पहले था अब भी वही रहेगा। बेस मेटल देख रहे हैं हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आज नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोना चांदी का बाजार कितना चमकेगा, कच्चा तेल कितना फिसलेगा और बेस मेटल्स में कितनी चमक बढ़ेगी, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं सोना चांदी आज भी कल के सुबह वाले लेवल्स पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या सोने चांदी में अभी जो रेंज है क्या यही अभी जारी रह सकती है या फिर बाजार यहाँ से उठता नजर आ सकता है? देखिए अभी तो फिलहाल बाजार जो है वो सुस्ती के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और $1800 के नीचे ही है, लेकिन कल की कंपैरिजन में देखा जाए तो आज थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट और नीचे में जैसा कि कल हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 47,500 से 400 तक नीचे लुढ़क सकता है और अब यहाँ से आज इंट्राडे की अगर बात करें तो 47,780 से लेकर ऊपर में 820 तक की रेंज फिलहाल सोने के अंदर देखने को मिल सकती है। और वहीं चांदी की बात करें तो 61,500 से 61,600 तक बाजार एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में कल को ओपेक की बैठक खत्म हुई है, आपको क्या लगता है अब ओपेक ने जो अपने फैसले दिए हैं कि वही अपने सेम प्लान पर स्टिक टू करेगा और जनवरी 2022 से 4 लाख बैरल प्रतिदिन की जो प्लान था उसी पर स्टिक टू रहेगा, जो प्लान पहले बनाया गया था, जो पहले स्ट्रेटेजी थी उसी पर कायम रहेगा और कुछ नया प्लान लेकर नहीं आया है, आपको क्या लगता है इसका प्रभाव अब कच्चे तेल के बाजार में कितना पड़ता नजर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल के बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में तेजी बनती नजर आई है? देखिए बिल्कुल इसका जो इम्पैक्ट है, जो ये जो मीटिंग हुई है और उससे जो रिजल्ट निकल कर आया है कि अपनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए अभी फिलहाल कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो इट मींस कि अभी अगर इस
ओनली इस खबर को देखें तो इस खबर का इम्पैक्ट पॉजिटिव है कच्चे तेल के ऊपर। हाँ, अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है, उसका प्रभाव बढ़ता है और डिमांड इफेक्ट होती है, तो फिर प्राइसेस में डाउनसाइड आ सकता है। अदरवाइज जो सप्लाई को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि ओपेक देशों की तरफ से सप्लाई बढ़ाने पर सहमति जताई जा सकती है, अब उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दिया है। और अब कच्चा तेल, जो कि अगर वैसे ही डिमांड रहती है और कच्चा सप्लाई जो है पहले ही कम है, और क्योंकि अब सप्लाई बढ़ाने के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया है, और दूसरे देशों की अगर हम बात करें, कुछ एक देशों ने जैसे मिलकर अपने रिजर्व्स निकालने की बात की थी और चाइना बैकफुट पर चला गया, तो वो एक इम्पैक्ट है जो कच्चे तेल को एक सपोर्ट देता हुआ वापिस से दिखाई देता है। लेकिन अभी जो नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा वो सिर्फ यही रहेगा, डिमांड कंसर्न। अगर कोरोना वापिस से फैलता है तो एक डिमांड का फैक्टर हावी हो सकता है जो क्रूड को नीचे ले जा सकता है। अदरवाइज फंडामेंटली अब स्थिति पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है और कच्चा तेल ऊपर उठता हुआ नजर आ सकता है। जी ये सर जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब धीरे धीरे कीमतें ऊपर जाती नजर आ रही हैं और आप हमेशा बेस मेटल्स में तेजी की ओर रही हैं, तो आपसे आज बेस मेटल्स के इंटरडे के लेवल्स जानना चाहूंगा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बेस मेटल्स में कितना उतार चढ़ाव के साथ आज ट्रेड देखने को मिल सकता है? बेस मेटल की बात करें तो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बेस मेटल ऊपर में, कॉपर की स्पेशली बात करें तो 732 तक ऊपर में है और नीचे में 724 की रेंज फिलहाल देखने को मिल सकती है। तो आज इंटरडे में एक्सपेक्ट करें कि 732 तक एक बार हो सकता है कि ऊपर किस तरह आपको देखने को मिल जाए। वहीं निकल की बात करें तो निकल में भी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, निकल भी लगता है कि करंट लेवल से 20 से 30 रुपए का अपसाइड मोमेंटम आज इंट्राडे में दिखा सकता है, यानी 1560 से लेकर 1570-78 तक जा सकता है निकल भी ऊपर में। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेस मेटल्स के अंदर, क्योंकि तेजी लगातार बनी हुई है और ये कॉन्टिन्यूशन में रह सकती है, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल के अंदर निचले स्तरों पर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, आज आपकी तरफ से नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या रहेंगे? देखिए नॉन एग्री की अगर बात करें तो आज क्रूड थोड़ा पॉजिटिव है। अब क्रूड देखिए आज 2.5% की तेजी है, मुझे लगता है कि आज क्रूड 4-5% उछल सकता है। तो आज क्रूड जो है 5180 तक ऊपर जा सकता है, यानी करंट लेवल से 100 रुपए की तेजी और मानकर चलिए कि देखने को मिल सकती है। क्रूड के साथ बेस मेटल भी पॉजिटिव लग रहे हैं, इसके अंदर भी आज इंट्राडे में बाइंग हावी होते हुए नजर आ सकती है। जी तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी नहीं, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। Thank you.